हे गाइज़ असलम दिस इज़ राबिया एंड आज मैं बात करूँगी किसी किताब के बारे में वो किताब कौन सी है कौन सी किताब है Yes, वो वो किताब है जिसके बारे में पता नहीं लोग क्या क्या बातें करते हैं वो इतनी मशहूर है और जिन लोगों ने पढ़ी हुई है उनमें से मेजॉरिटी जो है वो उस किताब के बारे में क्रेज़ी हैं दे लव इट सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फोटी रूल्स ऑफ लव यस सो मैं आज इससे इसमें से दो रूल्स पढूंगी एक तो रूल ही है दूसरा मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने ये बुक बहुत दिन पहले पढ़ी थी मैंने इसे रिफ़्रेश नहीं किया और इस वीडियो बनाने के लिए बिकॉज आई वॉन्ट टू रीड समथिंग फ्राम हेयर फ्राम एन इंग्लिश बुक फ्राम एन इंग्लिश नावल सो आई मैंने इसको खोला और इसमें से दो तीन जगहों से मैंने चीज़ें पढ़ना शुरू की और जो मुझे जो मेरे दिल को लगी जो मुझे इस वक्त अच्छी लग रही थी मैं वो एक रूल आपको पढ़ के सुना रही हूँ um, तो थोड़ी सी स्टोरी भी रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है मेरे जहन में लेकिन कहानी है कि फोटी रूल्स ऑफ लव एलफ शफक ने लिखी हुई है इट्स वर्ल्ड फेमस लोग इसको कोट करते हैं हमारे जो फिल्म एक्टर शान हैं वो कहते हैं कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है टू फॉल इन लव या नहीं नहीं सेट यू मस्ट रीड इट वेन यू आर इन लव एंड यू विल लव इट सो मेरा ये कहना है कि जब आप मोहब्बत आपको होती है तो मोहब्बत में तो हर चीज़ आपको अच्छी लगती है सो रीड इट वेन यू आर नॉट इन लव एंड देन इफ़ यू लव दिस बुक दैट मीन्स यू रियली लाइक दिस बुक मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने इस किताब के बारे में बहुत सुना हुआ था तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी लेकिन शायद मैं इसकी इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ जितने मेजोरिटी ऑफ द लोग ऑफ़ पीपल हैं मेरी इंग्लिश उर्दू ऐसी होती है तो ज़्यादातर तो लोग जितने बड़े फ़ैन इसके हैं मैं उतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ क्योंकि शायद कभी ऐसा होता है आप बहुत ज़्यादा कभी किसी चीज़ के बारे में सुन लेते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत डिफरेंट हो जाती हैं uh, मैं शायद एक ऐसी किताब को एक्सपेक्ट कर रही थी कि जिसको मैं नीचे रख ही ना सकूँ वो चीज़ मेरे साथ इस किताब में नहीं हो सकी आई डेंट फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग इट मेक्स यू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो और शायद मैं आज ये किताब पढ़ूँ तो मेरा रिएक्शन डिफरेंट होगा और मैं ये सोच के सोच भी रही हूँ कि सोच के सोच भी रही हूँ क्या हो गया आज मेरी कॉन्वर्सेशन uh, को और मैं ये सोच भी रही हूँ कि मुझे शायद ये किताब दोबारा पढ़नी चाहिए लेकिन देर टू अदर बुक्स दैट आई वॉन्ट टू स्टार्ट है इट इज़ वन ऑफ द फोर्टी रूल्स इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द वे अदर्स ट्रीट यू यू शुड फर्स्ट चेंज द वे यू ट्रीट योर अनलेस यू लर्न टू लव योर फुली एंड सिंसेरली देर इज़ नो वे यू कैन बी लव्ड Once you achieve that stage, however, be thankful for every thorn that others might throw at you. It is a sign that you will soon be showered in roses. He paused briefly and then added, "How can you blame others for disrespecting you when you think of yourself as unworthy of respect?" इतना अच्छा पढ़ाई थी मैंने कहा एंड तक भी स्मूथ जाएगा बट एंड में थोड़ा सा वो हो गई मुझे बस इतने पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो कि जो सुन रहा हो उसको मजा भी आए सुनने का ये uh, जो रूल है ये मुझे मुझे लगता है मेरे दिल के बड़े करीब है और शायद मेरा एक जर्नी था और उस जर्नी के थ्रू मैं उस स्टेज पे पहुंची हूँ जहाँ आई थिंक आई आई लव माई सेल्फ एंड आई रिस्पेक्ट एंड आई अप्रीशिएट माई सेल्फ बहुत दफ़ा सिचुएशन ऐसी हुई हैं जहाँ मैंने अपने आप को ये सोचते हुए पाया है कि आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते बिकॉज़ आई डोंट डिज़र्व इट आई आई यूनी टू रिस्पेक्ट मी यूनी टू वैल्यू मी मैंने ये, ये अपने आप को uh, सोचते हुए पाया है क्योंकि मैं अपने आप को वैल्यू और रिस्पेक्ट करूँ मुझे एहसास हो गया है कि मेरी वर्थ कितनी है क्या है सो so, अगर कोई मेरी बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करता है या कोई ऐसी चीज़ करता है जो मुझे लगता है कि आई डोंट डिज़र्व टू बी स्पोकन लाइक दिस आई डोंट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस तो आई डोट लेट दैट हैपन तो ये एक चीज़ होती है आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करते अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते मुझे लगता है दूसरे भी नहीं करते पीपल कीप टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये तो आई थिंक सभी ये आजकल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि लव योर सेल्फ रिस्पेक्ट यूर सेल्फ दिस इज़ द न्यू मंत्रा दैट वी ऑल टॉक अबाउट हाउ मेनी योर अस एक्चुअली गेट डाउन टू डूइंग इट इज़ अनदर स्टोरी बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी ट्रस्ट मी ये कहना बड़ा आसान होता है अपने आप को मोहब्बत करो लेकिन अपने आप को मोहब्बत करना एक प्रोसेस है उसमें आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ता है एज़ यू आर एंड इट्स नॉट ईजी विच मीन्स दैट यू हैव टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज एंड योर नेगेटिव ऑल्सो सो हर इंसान अपने आप को समझता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ मैं बहुत परफेक्ट हूँ लेकिन जब आप अपने आप को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप कहीं कहीं अनफ़ेयर भी शायद होंगे आप कहीं कहीं इतने अच्छे इंसान शायद नहीं हों जितना आप अपने आप को समझते हैं कहीं कहीं आप शायद कुछ ऐसा भी कर जाते हैं जो किसी का दिल दुखा जाए कहीं कहीं आप सेल्फिश मटीरियलिस्टिक भी हो जाते हैं और जब तक आप अपने आप की इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे यू कैन नॉट लव योर सेल्फ ये पढ़िए ये सुनिए वंस यू अचीव दैट स्टेज देन बी थैंकफुल फॉर एवरी थॉन दैट अदर्स माई थ्रू एट यू जो मुझे ये समझ आती है जो मेरा एक्सपीरियंस है न आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग जब आप अपने आप से मोहब्बत करने लगते हैं तो आप अपनी वैल्यू करने लगते हैं एंड यू स्टॉप पीपल फ्रॉम डिसरिस्पेक्टिंग यू from टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड और जब आप ये करते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता एंड दैट्स वेयर ये जो लिखा हुआ है ना फॉर एवरी दैट अदर्स माई थ्रू एट यू क्योंकि आपको क्वेश्चन किया जाएगा आप शायद किसी का दिल भी दुखा दें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अनफेयर नहीं हो मैं ये बात कहना चाहती हूँ यू माइट डू समथिंग जो किसी दूसरे को अच्छी नहीं लगे लेकिन वो जस्टिफाइड होनी चाहिए क्योंकि वो आपकी मैंटल हेल्थ आपके लिए सही है और आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे आप किसी का हक नहीं मारे लेकिन वो वो करना ज़रूरी है देर इज़ अ फाइन लाइन आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन टू यू बिकॉज ज़िंदगी में लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं जज्बाती तरीक़ों से इमोशनल ब्लैक मेल के थ्रू हर तरीके से यू नो सो जब आप ये करते हैं ना तो फिर आप बहुत से लोगों को खफा कर देते हैं उन लोग को समझ नहीं आती कि यार क्यों नहीं आप ये कर रहे हैं क्यों आप अच्छे नहीं हो रहे इतने परफेक्ट क्यों नहीं हो रहे आप क्यों हंड्रेड परसेंट हंड्रेड फिफ्टी परसेंट अच्छे क्यों नहीं हो रहे और जब आप ये करते हैं तो फिर लोगों की बातें भी सुनते हैं लोगों के शिकवे भी सुनते हैं लेकिन उसका मतलब ये होता है कि फिर दो दफ़ा शिकवे होंगे दो दफ़ा आपको ताने मिलेंगे तीसरी दफ़ा पीपल विल अंडरस्टैंड कि आप इससे ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट करेंगे और फिर आपकी ज़िंदगी आसान होती जाती है जो आगे वो कहते हैं इट इज़ अ साइन दैट यू विल बी शावर्ड यू विल सून बी शावर्ड इन रोज़ेज या जिंदगी आसान हो जाती है आप अपने आप को ना मैंटल हेल्थ में बहुत से इशू से बचा लेते हैं मुझे मैं, मैंने इस रूल को ऐसे पढ़ा है मेरे लिए यू रूल ऐसे कनेक्ट करता है आई डोंट नो इफ इट रियली मीन्स डैट वही आप लोगों को कैसा लगता है आप ज़रूर मुझे बताइएगा इसी के दूसरे पेज पर पे, इस चैप्टर का नाम क्या है मैं इस चैप्टर का नाम चलें इसी के दूसरे पेज पर पे, जहाँ चैप्टर ख़त्म होता है एक और बड़ी अच्छी आ, बात है Tread not where the road will take you. Instead, concentrate on the first step. That's the hardest part. And that's what you are responsible for. Once you take that step, let everything do what it naturally does. And the rest will follow. Do not go with the flow. Be the flow. I just love it. I this a reminder for me हम लोग वो चीज़ करना स्टार्ट नहीं करते सो टेक द फर्स्ट स्टेप मेरे साथ ये होता है हम ये ज़्यादा सोचते हैं कैसे होगा कैसे होगा क्या होगा ये नहीं सोचते कि यार पहला स्टेप कैसे लेना है जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप इफ यू वॉन्ट टू डू एनी थिंग यू नो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है कॉलेज में एडमिशन लेना है जॉब के लिए अप्लाई करना है कुछ भी कुछ लिखना है कुछ खाने के लिए नया ट्राई करना है रेसिपी भी यू नो you know, एक एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ हम हर चीज़ को ना इतने बड़े लेवल पे ले जाते हैं मेरे लिए तो कभी कभी एक अलमारी साफ़ करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है सो आई विल आई विल ब्रिंग इट टू अ वेरी स्मॉलर लेवल वेरी बेसिक लेवल कोई रेसिपी भी नहीं ट्राई करनी है कोई ड्रेस नया बनाना है um, किसी से कोई नई बात करनी है किसी को फ़ोन कॉल करना है कुछ भी करना है घर में कुछ प्लांट लगाना है घर का एक नया रूम तैयार करना है कुछ भी करना है टेक द फर्स्ट स्टेप एक दफ़ा पहली चीज़ें हो जाती हैं एंड इतना चाहिए दैट इज़ दैट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट एंड दैट्स वॉट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर येस एक दफ़ा आप पहला स्टेप ले लें फिर चीज़ें एक मोशन में आ जाती हैं क्योंकि फिर आप छलांग लगा चुके होते हैं फिर चीज़ें हो रही होती हैं फिर थोड़ी बहुत चीज़ें आपके हाथ में होती हैं थोड़ी बहुत चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं एंड थिंग्स कीप मूविंग सो एंड देन ही से डू नॉट गो विद द फ्लो बी द फ्लो मैं डबल माइंडेड हूँ इसमें कुछ जगहों पे आई एम द फ्लो एंड आई गो विद द फ्लो बट कुछ चीज़ कुछ जगहों पर आई गो अगेंस्ट द फ़्लो बिकॉज आई फील समटाइम्स इट्स गुड टू गो अगेंस्ट द फ़्लो सॉरी आई वो अ फोर्टी रूल्स ऑफ लव के जितने फैंस हैं ना वो मुझे मुझसे शायद नाराज़ हो जाए बट इन माई एक्सपीरियंस मैंने जब जब फ्लो के अगेंस्ट जाने की कोशिश की है मैं बहुत दफ़ा कामयाब हुई हूँ एज लॉन्ग एज आप अपने आप में बिलीव करते हैं और आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो गलत हो सो दैट्स ऑल ये दो मुझे बड़े अच्छे लगे थे एज अ सेट मैं अब uh, कुछ किताब में से पढ़ा करूँगी उसके बारे में बात किया करूँगी क्योंकि मैंने ये बुक बहुत दिन पहले पढ़ी थी तो मैं बुक के रेफरेंस से इतना नहीं बात कर सकी अपने रेफरेंस से बात की है बट मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि मैं uh, जो भी चीज़ उठाऊँ वो बुक के और कैरेक्टर्स के रेफरेंस से बात करूँ ताकि हम सब इंजॉय कर सकें उस डिस्कशन को आप लोगों को आप लोगों ने अगर फोर्टी रूल्स ऑफ लव पढ़ी है एनी रूल एनी थिंग डैट यू लव और एनी कोट दैट यू लव फ्राम दैट बुक डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स आई वुड लव टू रीड थेम टेक केयर एंड अलफ इज़